नमस्कार। ग्वालियर राजघराना आज की तारीख में सभी राजघरानों में सबसे पावरफुल है, क्योंकि इस राजघराने से दो दिग्गज नेता आते हैं और जो कि काफी पावरफुल है। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दूसरे हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजस्थान देखती हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में आज ये दोनों बड़े नेता एक ही पार्टी में हैं, तो आज हम आपको अपनी कहानी में बताने वाले हैं कि किस नेता के पास कितने पैसे हैं। इसमें सबसे पहले बात बुआ की होगी। राजस्थान की मौजूदा सियासत में बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदगी दर्ज कराई है। करीब 20 साल की उम्र में वसुंधरा राजे की शादी 1972-73 में धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई। ये शादी साल भर भी नहीं चली और बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही हेमंत सिंह और वसुंधरा में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि इस अनबन के पीछे संपत्ति विवाद था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। संपत्ति की बात करें तो 2018 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बताया था कि उनके पास करीब 4.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वसुंधरा राजे के पास चल अचल संपत्ति के नाम पर जयपुर में एक घर है जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। वसुंधरा राजे के पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के भतीजे ज्योतिरादित्य के पास उनसे कई गुना ज्यादा धन दौलत है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया ने अपनी संपत्ति करीब 375 करोड़ रुपए बताई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने तो उनकी कुल संपत्ति में 297 करोड़ रुपए की पुश्तैनी संपत्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 3 आलीशान गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी पत्नी प्रियदर्शनी के पास कोई गाड़ी नहीं है। कई अन्य जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य की दौलत और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी है। सिंधिया 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। ये महल सन 1874 में बनकर तैयार हुआ। इस राजमहल का नाम जय विलास पैलेस है। आपको जानकारी देते चलें कि 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। सिंधिया का ग्वालियर का जय विलास पैलेस 12,40,771 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है। इसकी खासियत ऐसी है कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लें। राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है। इस महल का निर्माण 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोज ने डिजाइन किया है। इस महल का सबसे खास रॉयल दरबार हॉल है, जो 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊंचा है। इसकी छत पर 140 सालों से 3500 किलो के दो झूमर टंगे हैं। इसे टांगने के लिए इंजीनियर्स ने छत पर 10 हाथियों को 7 दिनों तक खड़ा रखा था। इन झूमरों को बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था। पैलेस के डाइनिंग हॉल में चांदी की ट्रेन है, जो खाना परोसने का काम करती है। कहा जाता है जिस समय इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज इस विशाल और आकर्षक महल की कीमत अरबों में है। इसके साथ साथ सिंधिया के पास करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति के साथ साथ निजी 3 करोड़ रुपए की FDR शामिल है। जयविलास पैलेस के अलावा दिल्ली में 32 एकड़ में फैली सिंधिया विला और ग्वालियर हाउस के अलावा मुंबई में वसुंधरा बिल्डिंग, पुणे का पद्म विलास पैलेस, शिवपुरी का जर्ज कैसल और माधव विला पैलेस, उज्जैन का कालिया देव पैलेस समेत कई शहरों में मंदिर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं बुआ और भतीजा कितने शक्तिशाली हैं और इसका कारण क्या है।